एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुरका ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुरका अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है, बातें हो रही थी। बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे, मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गों आप भी तो कोई जवाब दें। कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें, मुझे नहीं आती आयतें और हदीसें, पर पढ़ता पढ़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले अगर आपने नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे मेरा छोटा सा पोता है वो बाजार से टॉफी खरीद के लाता है, अगर टॉफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टॉफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती है, जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है कागज रहता है उस पर मक्खियां। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पर मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई है, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टॉफी नहीं खानी। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टॉफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उसमें मक्खियां नहीं बैठेंगी।